पोल्ट्री फार्म से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या हाल है दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी फार्मर भाई फेस करते हैं। कल जब मैं अपने फार्म की इंस्पेक्शन करने के लिए शेड के अंदर गया, तभी मैंने देखा कि कुछ चिक्स के पैर ब्लैक पड़ चुके हैं। जी हाँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल काले पड़ चुके हैं फ्रेंड्स ये पैर, आप देख सकते हैं ध्यान से, इनके अंदर खून तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा। एक बार तो मेरा दिमाग चकरा गया था कि ये चीज़ क्या है, पता नहीं क्यों हो रही है। तो तभी मैंने अपने डॉक्टर से संपर्क किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये एक नया वायरस जो कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में फैल चुका है, तो आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। इनकी टांगों को बिल्कुल काली पड़ चुकी है फ्रेंड्स। जो ये नया वायरस आया है, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको घाटे का सौदा ये दे के जाने वाला अगर आपके शेड में आ जाएगा। तो डॉक्टर्स ने भी दवाइयाँ वगैरह लिखी हैं जो हम अभी लेके आएंगे और उनको चलाएंगे। बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हैं और उससे क्या ये रुक पाया है या नहीं वायरस। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये नई लेबर की वजह से थोड़ा बहुत असावधानी देखने को मिली है पहली बार शेड के अंदर, क्योंकि उसने पर्दे उठा दिए जिसको पता नहीं, तभी नई लेबर आई थी तो इससे वायरल आ गया। वायरल वैसे ही फ्रेंड्स कभी भी आ सकता है शेड के अंदर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा बिल्कुल ही सावधानी रखेंगे तो बिल्कुल भी वायरस नहीं आएगा। तो इससे कोई वायरस का लेना देना नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ी सी चूक, बिल्कुल थोड़ी सी माइनर मिस्टेक भी आपके शेड के अंदर वायरस ला सकती है। जी हाँ, अभी आप मेरे शेड की हालत ही देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल टांगें इनकी काली पड़ चुकी हैं चिक्स की। अगर आप भी अपने शेड के अंदर ऐसी टांगें देख रहे हैं अपने चिक्स की, तो तभी अपने डॉक्टर्स के साथ संपर्क करें और उनके लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम करें, नहीं तो आपको बहुत ही घाटे का सामना करना पड़ सकता है। अभी फ्रेंड्स तीन तीन वायरल चले हुए हैं, यानी कि बीमारियाँ, एक तो रानी खेत, एक कोक्सी और एक ये नया वायरस अभी आया जो आपने भी देखा स्क्रीन पर, काली टांगें पड़ चुकी हैं चिक्स की। तो आप भी अपने शेड के अंदर ऐसे पुख्ता इंतजाम कीजिए कि जिससे वायरस ना आ सके, और लेबर को भी अच्छे से समझा दीजिए कि कैसे कैसे उन्होंने शेड की मैनेजमेंट करनी है। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स क्या होने वाला है, अभी दवाइयां मैं लेके आऊँगा। देखते हैं, पानी के अंदर बोला डॉक्टर्स ने चलाने के लिए दवाइयाँ, और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट भी बोला है कि पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी देना है। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी दवाएं डॉक्टर्स ने लिखी हैं और उसका रिजल्ट क्या है, यानी कि उससे कुछ हुआ भी है या नहीं। अभी देखते हैं फ्रेंड्स इसको, अभी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।